प्यारे बच्चों नमस्कार। 12वीं कक्षा हिंदी विषय में हम पढ़ रहे थे पाठ गद्य भाग, और गद्य भाग में प्यारे बच्चों हम अंतिम पाठ में आ रहे थे, और हमारा अंतिम पाठ था श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा। हमने इसको काफ़ी पढ़ लिया था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बताए हुए विचारों को पढ़ रहे थे कि किस तरह से भारत के अंदर जो गरीबी है उसके बढ़ने का कारण क्या है। प्यारे बच्चों हम यहाँ से पढ़ते पढ़ते और हम आ गए थे यहाँ पर, तो हमारा पेज 155 पेज के ऊपर, और हम ये पहरा पढ़ रहे थे। प्यारे बच्चों देखो, जाति प्रथा के पोषक जीवन शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे। देखिए उन्होंने बताया कि किस तरह से जाति प्रथा के कारण भारत में गरीबी बेरोजगारी बढ़ रही है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि मेरी आदर्श कल्पना का समाज कैसा होना चाहिए, मेरे अनुसार कैसा समाज होना चाहिए। उन्होंने बताया कि मेरे अनुसार जो समाज की जो कल्पना की गई है उसमें स्वतंत्रता समता भ्रातृत्व होनी चाहिए। और उसी क्षण में आगे बढ़ते हुए उन्होंने बताया कि जाति प्रथा के पोषक, जाति प्रथा को बढ़ाने वाले जीवन शारीरिक सुरक्षा, जीवन और शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, इन बातों को स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। जो बढ़ाने वाले हैं वही समस्या पैदा करेंगे जो शोषण करते हैं, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। अपने इनकी व्यवसाय तो अपना जो पैतृक व्यवसाय होगा वही करना पड़ेगा, जो पारंपरिक व्यवसाय होगा वही करना पड़ेगा, जो बढ़ा जाति को बढ़ाने वाले हैं जो पोषक हैं वे किसी को स्वतंत्रता नहीं देंगे कि आप अच्छे से अपना व्यवसाय कोई भी चुन सकते हैं। तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा। यहाँ दास्ता शब्द आ गए हैं, ये दास्ता शब्द बार बार आएगा, दास्ता शब्द का प्रयोग किया गया है कि वो दास बने रहेंगे हमेशा ही, कि धंधे में पड़े रहेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी और वे हमारे दास रहेंगे, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी अपराध को ही नहीं कहा जा सकता है। देखो दास्ता की डेफिनेशन प्यारे बच्चों यहाँ पर है, ये प्रश्न आपके लिए बनेगा, दास्ता किसे कहते हैं ये प्रश्न आपके लिए यहाँ है। दास्ता केवल कानूनी अपराधीनता को नहीं कहा जा सकता, दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ लोगों, कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है, उनकी समस्या बढ़ जाती है। कर्तव्यों का पालन करने के लिए उन्हें किसी न किसी कारण से परेशानी उठानी पड़ती है। यह स्थिति कानूनी अपराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणार्थ जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहाँ कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं, सभी को नहीं कुछ लोगों को। तो प्यारे बच्चों इसमें जैसे प्रश्न बनता है, इसका इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये पहला भी इम्पोर्टेंट है कि जाति प्रथा के पोषक क्या स्वीकार अस्वीकार करते हैं। देखो जाति प्रथा के पोषक शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार को स्वीकार करते हैं, मानते हैं ये बात, किंतु मनुष्य के लक्षण एवं प्रभावशाली प्रयोग को स्वतंत्रता को अस्वीकार कर देते हैं। इसी प्रकार से इसी पहरे में प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है, दास्ता किसे कहते हैं, यानी कि दास्ता क्या है। कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश करना दास्ता है। दूसरे शब्दों में जाति प्रथा के आधार पर निर्धारित कर्म को करने के लिए मजबूर होना दास्ता है। तो प्यारे बच्चों दास्ता की ये डेफिनेशन है जो बार बार आपके परीक्षा में आएगी। इस प्रकार से इसी पहरे में से और भी प्रश्न है, जैसे कानूनी अपराधीनता न होने पर भी इच्छा के विरुद्ध पेशे क्यों अपनाने पड़ते हैं, कानूनी अपराधीनता न होने पर भी इच्छा के विरुद्ध पेशे क्यों अपनाने पड़ते हैं। देखिए कानूनी अपराधीनता न होने पर भी जाति प्रथा में कुछ ऐसे अर्थ हैं जहां कानूनी प्राधीनता न होने पर भी अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए सफाई कर्मचारी परंपरा से ही यह कार्य करने को बाध्य हैं,
समाज उन्हें अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं देता। जाति प्रथा के पोषक मनुष्य को किस स्वतंत्रता का विरोध करते हैं और क्यों? जाति प्रथा के पोषक मनुष्यों को व्यवहार चुनने की स्वतंत्रता देने का विरोध करते हैं। क्यों? ऊंची जाति के लोग जो इस प्रकार का विरोध करते हैं, वे स्वयं हमेशा ऊंचे कार्य करते रहना चाहते हैं तथा श्रेष्ठ कहलाना चाहते हैं कि वे निम्न जातियों को उभरने का अवसर नहीं देना चाहते। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये पहरा समाप्त होता है। अगले पहरे पर बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट, अब आइए समता पर विचार करें। दूसरा जो है ना, उन्होंने दासता के बारे में बताया, स्वतंत्रता के बारे में बताया। स्वतंत्रता के लिए पहरा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दें। समता के बारे में क्या बताया? समता पर किसी को आपत्ति हो सकती है? समता पर किसी को की आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। फ्रांसीसी शब्द क्रांति में, फ्रांस के अंदर समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, सभी मनुष्य बराबर नहीं होते मानते हैं, आलोचक ये कहेंगे, और उनका यह तर्क वजन भी रखता है। लेकिन तथ्य होने होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि तथ्य है हमारे पास। लॉजिक है, कह रहा है कि क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। क्योंकि शाब्दिक अर्थ में, शब्दों के अर्थ में समता असंभव होते हुए भी, मतलब समता को संभव नहीं किया जा सकता है, तक नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की क्षमता तीन बातों पर निर्भर करती है, तीन बातों पर। ये प्यारे बच्चों, तीनों बातें आपको समता, स्वतंत्रता और बंधुता के अलग, ये तीनों पॉइंट याद रखते हैं। मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है, ये प्रश्न भी आएगा आपके लिए। देखो ये तीनों पॉइंट, शारीरिक वंश परंपरा का उदाहरण दिया। देखो यहाँ पर देखिए, असंभव होते भी नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता तीन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। शारीरिक वंश परंपरा, देखो शारीरिक कैसे लिखा जाता है, शारीरिक वंश परंपरा जो चली आ रही है। सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां, जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। ये तो ये कारण बताया, एक ऊपर वाला कारण बताया, और अंत में तीसरा कारण, मनुष्य के अपने प्रयत्न। तीनों ध्यान रखना है आपको, तीनों पॉइंट, शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीन दृष्टि, देखो जो सबसे ज्यादा प्रयत्न करेगा वो सबसे आगे जाएगा। इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते, याद रखिए, तीन कारणों से मनुष्य समान नहीं हो सकते। ये तीनों कारण, सामाजिक उत्तराधिकार जो संपत्ति उनके पास पहले से है, तथा दूसरा कारण ये बताया कि उनके पास जो है ना, जो उनकी शारीरिक वंश परंपरा है, शारीरिक जो क्षमता चली आ रही काम करने की, और जो है तीसरा मनुष्य के अपने प्रयत्न। तो क्या इन विशेषताओं के कारण, क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को उसके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? क्या, देखो यहाँ पर दिया है, इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार रहना चाहिए। जब उनके पास इस प्रकार की असमानता है तो उसके साथ ऐसा ही करें। समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या समाज जवाब है? इसका कोई जवाब नहीं। तो यहाँ पर क्या बताता है कारण, यहाँ बताता है कि व्यक्ति विशेष की दृष्टिकोण में असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वदा उचित है, परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है, तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? भिन्न व्यवहार उचित है, ये बात कही गई है। उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार जाएंगे, आगे चले जाएंगे, जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, प्रसिद्धि, पैतृक संपदा जो पूर्वजों की संपदा है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार, पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि यह है सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। देखो ये विचार दे रहा है कि हमेशा हम उसके संपन्नों के पक्ष में अपना निर्णय प्रस्तुत करेंगे। अतः न्याय का तगाजा यह है कि जहां हम तीसरे प्रयास की जो बताई है अब मनुष्य के अपने प्रयत्न तीसरा प्रयासों की असमानता जो मनुष्य के अपने वश की बात है वह तो कर सकता है कोई भी मनुष्य। कहता है कि आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं। वहाँ प्रथम दो आधारों जो मनुष्य के अपने वश की बात नहीं है पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है, गलत है, और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। ये बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर के विचार हैं। दूसरे शब्दों में समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। कहता है कि सबको ही बराबर का मौका देना चाहिए हर क्षेत्र में, तो अपने आप समानता आ जाएगी, समता आ जाएगी। अब कहता है कि समता का औचित्य यही नहीं समाप्त होता, ये पैरा देखिए प्यारे बच्चों, समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, ये इम्पोर्टेंट पैरा है आपके लिए। समता का औचित्य यहीं समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। देखो एक ये भी उदाहरण देता है जो आपको देना पड़ेगा। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी संख्या से पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिक के पास न तो कोई इतना समय होता है, न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी भी होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं को और क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। यानी कि नेता इतनी भारी जनता उसके साथ होती है, इतनी भारी लोकतंत्र है, क्या वो इन सबके साथ उनकी अनुकूल इच्छाएं उनके अनुरूप इच्छाएं पूरी कर सकता है? वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो। फिर से देखिए, वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना ही आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता की दृष्टि में समाज दो वर्गों में श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता है। दो श्रेणियों में बांट करके समाज से काम नहीं लिया जा सकता है। क्या एक राजनीतिक ऐसा करता है? ऐसी स्थिति में राजनीतिक को अपने व्यवहार में एक व्यवहारिक सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, एक व्यवहारिक सिद्धांत से कार्य करना पड़ता है। यह व्यवहारिक सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। ये बाबा साहब भीमराव के विचार हैं। राजनीतिक को अपने व्यवहार में एक व्यवहारिक सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, वे किस तरह से डील करते हैं लोगों को, वो सिद्धांत बनता है उनका। और यह व्यवहारिक सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ उसका ये व्यवहारिक सिद्धांत को गहराई से समझें तो अपने आप उनको टैकल कर लेता है, उनको अपने आप अपने अनुरूप ढाल लेता है। कहता है कि व्यवहार किया जाए, राजनीतिज्ञ ये व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण और श्रेणीकरण संभव होता है। तो इस प्रकार से ये पहरा है, इसके प्रश्न जैसे बनते हैं प्यारे बच्चों कि इस गद्यांश में समान समता में कौन कौन से औचित्य पर बल दिया गया है। इसमें प्यारे बच्चों इसमें इस गद्यांश में समता के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने कहा है कि असंख्य लोगों की भिन्न भिन्न आवश्यकताएं जानकर उनके साथ भिन्न व्यवहार करना संभव नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सबके साथ समानता का व्यवहार करे। दूसरा प्रश्न इसका, राजनीतिक को सबसे समानता का व्यवहार क्यों करना चाहिए? राजनीतिज्ञ को सबसे समानता का व्यवहार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वह असंख्य लोगों के संपर्क में आता है और उसकी क्षमताएं एवं आवश्यकताएं जान पाना उसके लिए संभव नहीं होता, इसलिए वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने के लिए बाध्य हो जाता है उनके लिए। तो
समता को काल्पनिक जगत की वस्तु क्यों कहा गया है? प्रश्न ये है कि समता को काल्पनिक जगत की वस्तु क्यों कहा गया है? प्यारे बच्चों, लेखक मानता है कि समता अर्थात बराबरी कभी संभव नहीं हो सकती। न तो परमात्मा ने सबको समान बनाया है और न ही सबको क्षमताएं आवश्यकताएं समान होती हैं। अतः समता की भावना कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना से अभिप्राय एक बनी बनाई एक मौखिक विचारधारा है। इसके बाद में प्रश्न है कि जैसे लेखक ने किस सिद्धांत और व्यवहार को व्यवहारिक कहा है? यहाँ पर उत्तर है लेखक मानता है कि लेखक ने सबके साथ समानता का व्यवहार करने को व्यवहारिक सिद्धांत कहा है, व्यवहारिक सिद्धांत की कोटि में रखा है। आगे कहता है कि मानवता की कसौटी क्या है, यह क्या संदेश देती है? मानवता की कसौटी यह है कि मानव मात्र को एक समान माना जाए, उन्हें किसी प्रकार के वर्ग या भेद में न बांटा जाए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये पहरा आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक पहले हमने आपको बताया था और इसके भी प्रश्न ध्यानपूर्वक जानेंगे। यानी कि आपको पता है कि समाज में हम तीनों वर्गों में समाज को उन्होंने बताया कि तीन विशेषताएं समता, स्वतंत्रता और बंधुता, और समानता का व्यवहार पर हम क्यों नहीं कसौटी पर कस सकते हैं। उन्होंने तीन विचारधाराएं दी है। एक तो जो है शारीरिक वंश परंपरा दी है, एक उनके कारण, दूसरा जो कारण दिया है कि मनुष्य के अपने प्रयत्न होते हैं और उनका अपना एक वातावरण होता है जो उन्हें दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों तीनों पॉइंट याद रखेंगे और यहाँ पर आते हैं। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है मान लेते हैं, फिर भी राजनीतिक को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उनके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है, जो उसके लिए हमेशा कारगर सिद्ध होती है। तो राजनीतिक सिद्धांत की भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि हम प्रश्न हैं, एक बार आते हैं, दृष्टि डालते हैं ये पाठ पढ़ने के बाद, जाति प्रथा को सर्वभाजन का एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर के क्या तर्क है? जाति प्रथा को सर्वभाजन का एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर के क्या विचार है? देखो प्यारे बच्चों, इसका तर्क सहित उत्तर देंगे आप कि लेखक जाति प्रथा को सर्वभाजन का एक रूप नहीं मानता, क्योंकि यह विभाजन अस्वाभाविक है, गलत है, जो हमने आपको बताया था। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, इसमें व्यक्ति की क्षमता को उपेक्षा की जाती है, ठीक है। यह केवल माता पिता के सामाजिक स्तर का ध्यान रखती है। व्यक्ति के जन्म से पहले ही सर्वभाजन होना अनुचित है, जन्म से पहले हम बना देते हैं। जाति प्रथा, ये सब बातें हमने आपको बीच में बताई हैं। जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए एक व्यवसाय में बांध देती है। पैसा उपयुक्त या अनुपयुक्त कैसा भी हो, करने के लिए व्यक्ति को बाध्य होना पड़ता है। संकट के समय भी पैसा बदलने की अनुमति नहीं होती भारतीय समाज में, भले ही मनुष्य भूखा मरना पड़े। तो इस प्रकार से जाति प्रथा विभाजन का हो गया प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी कारण कैसे बनती रही, क्या यह स्थिति आज भी है? देखो ये प्रश्न हमने बीच में बताया था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बताया कि जाति प्रथा किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसकी पैतृक पेशा न हो। हमारी जाति प्रथा ऐसी है, भले ही वह उस पेशे को पारंगत हो, उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात अचानक ऐसे परिवर्तन आते हैं कि व्यक्ति पेशा बदलने को बाध्य होता है। ऐसे में यदि जाति प्रथा पेशा न बदलने दे
तो भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। आज भयंकर जाति प्रथा के कारण बाद ऐसी बाध्यता नहीं है, लोग पैतृक व्यवहार त्याग कर नए पेशे में जा रहे हैं, खूब जा रहे हैं, अलग अलग धंधा अपना रहे हैं। आज के वर्तमान के दौर की बात कर रहे हैं। जो लोग पैतृक व्यवसाय से ही जुड़े होते हैं वे तो स्वेच्छा से अथवा अन्य क्षेत्रों की दक्षता के अभाव के कारण कार्य नहीं कर रहे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न 2 नंबर का काफ़ी बार परीक्षा में आता है, लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? देखिए, लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा है, लेखक के मत से, अभी हमने बताया था आपको कि दासता के लिए लेखक के अनुसार दासता केवल कानूनी ही पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणार्थ जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग का होना संभव है जहाँ कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य असमानता स्वाभाविक रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहारिक सिद्धांत मानते हैं। हाँ, मानते हैं, सबके साथ करना चाहिए, ये दोनों बातें होने के बावजूद भी वे मानते हैं। आग्रह क्यों करते हैं, इसके पीछे उनका क्या तर्क है? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का यह जानते हुए कि शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक परंपरा की दृष्टि से मनुष्य से असमानता का होना संभव है, समता के व्यवहारिक सिद्धांत को मानने का आग्रह करते हैं। इसके पीछे लेखक को का तर्क यह है कि समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करती है तो समाज के सभी सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। राजनीतिज्ञों को भी सब मनुष्यों के साथ समान राजनीतिज्ञों के तरह मनुष्यों को समान व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए बराबर अवसर देने चाहिए। उनका तर्क है कि वंश में जन्म लेना या सामाजिक परंपरा व्यक्ति के वंश में नहीं है, उसके वश में की बात ही नहीं है। अतः उस आधार पर निर्णय लेना उचित नहीं है। तो ये 4 प्रश्न हो गए प्यारे बच्चों। 5वां प्रश्न है, सही में आम्बेडकर ने भावनात्मक ममत समत्व की मानविक दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, मिटाना चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या इसके से आप सहमत हैं? देखिए, 5वां प्रश्न है, हम लेखक की पूरी तरह सहमत है। सहमति का कारण यह है कि कुछ लोग किसी वंश में पैदा होने के कारण ही उत्तम व्यवहार के हकदार बन जाते हैं। तनिक विचार करें, उनसे उनका अपना क्या योगदान है? सामाजिक परिवेश भी व्यक्ति को सम्मान दिला देता है, उसमें व्यक्ति को क्षमता एवं मूल्यांकन नहीं होता। मनुष्य की महानता उसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप तय होती है। मनुष्य के प्रयत्नों का ही सही मूल्यांकन तभी हो सकता है जब सभी का समान अवसर मिले। उदाहरण के लिए, गांव के अथवा नगर पालिकाओं के विद्यालयों में पढ़ने वाले बालक महंगे स्कूलों में पढ़ने वालों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? अतः पहले जातिवाद का उन्मूलन हो और फिर भौतिक स्थितियां व जीवन सुविधाएं समान हों, जब तो श्रेष्ठ सिद्ध हो, यही वही उत्तम व्यवहार के हकदार होते हैं। तो इस तरह से
प्रश्न है, आदर्श समाज के तीन तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं? देखो इसमें बताया गया है कि हम इसमें आंसर देंगे, हम लेखक के से पूरी तरह से सहमत है। सहमति का यानी कि लेखक ने बताया कि आदर्श समाज के तीन तत्व भ्रातृता पर विचार करते समय लेखक के भले स्त्रियों का अलग से उल्लेख नहीं किया है, किंतु यह समाज की बात कर रहा है। समाज तो स्त्री पुरुष दोनों से ही बनता है, अतः सम्मिलित करने या न करने की बात बिल्कुल व्यर्थ है। तो भ्रातृता शब्द व्यवहार से प्रचलित नहीं है, यह संस्कृत निष्ठ शब्द है तथा इसके स्थान पर भाईचारा शब्द उचित रहेगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से यह आपका पाठ पूरा होता है। इनके प्रश्नों को लिखिए, सुंदर सुंदर लिखाई में आपके लिए बहुत जरूरी है, तैयारी करें। धन्यवाद।